18 साल का वैवाहिक जीवन, 14 बच्चे, 15वें प्रसव के दौरान 37 साल की उम्र में मुमताज की मौत, देश में ताजमहल के बंद दरवाजों को खोलने को लेकर जारी सियासत और उस पर कोर्ट के फैसले के बीच ताजमहल को लेकर इतिहास क्या कहता है। इस अजूबे को दुनिया प्रेम की निशानी मानती है, लेकिन इसके क्या तथ्य हैं? इसे किसने बनवाया? इस पर आज नजर डालते हैं। शुरुआत मुगल अक्रांता शाहजहां की बीवी मुमताज उर्फ अर्जुमन बानो बेगम से होती है। 19 साल की उम्र में अर्जुमन बानो बेगम का निकाह 21 साल के शाहजहां से 1612 में हुआ था। ये शाहजहां का दूसरा निकाह था। मुमताज और शाहजहां के वैवाहिक जीवन लगभग 18 साल का रहा। इन 18 सालों में शाहजहां से मुमताज को 14 बच्चे हुए। 15वें बच्चे के प्रसव के दौरान 1630 में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मुमताज की मौत हो गई। इस दौरान वो 37 साल की थी। उसकी मौत के 2 साल पहले ही शाहजहां को मुगल साम्राज्य की गद्दी मिली थी। बीवी की मौत के बाद करीब सप्ताह भर के लिए तो उसने पूरी सल्तनत के काम को रुकवा दिया था। इतिहासकार ईवीवी हेवेल कहते हैं, मुमताज महल की मौत के बाद शाहजहां ने जबरदस्ती 2 सालों तक का शोक मनवाया। इस दौरान किसी भी तरह के संगीत, त्योहार और यहां तक कि गहने पहनने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। मौत के बाद मुमताज को बुरहानपुर में ही दफन कर दिया गया था। माना जाता है कि करीब 6 महीने बाद उसकी कब्र को आगरा लाया गया। इसको लेकर भी 2 तथ्य हैं। पहला ये, राजपूत राजा मान सिंह के बेटे राजा जय सिंह की पुश्तैनी जमीन पर उसे तुरंत दफन कर वहां एक बागीचा बना दिया गया था। दूसरा, मुमताज को आगरा लाने के बाद उसे 9 सालों तक एक मस्जिद में दफन किया गया। उल्लेखनीय है कि इन 2 सालों तक शाहजहां ना तो किसी से मिला और ना ही अपने दरबार आया। सवाल ये उठता है कि फिर किसने मुमताज के गल चुके शरीर के ढांचे को कब्र से खोदकर उसे आगरा लाने का फरमान सुनाया। ये तथ्य है, इतिहास में दफन हो गया है। जबकि सत्य तो यह है कि शाहजहां के बिना उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता था। अब अगर इस बात को माना जाए कि सच में मुमताज की कब्र को आगरा लाया गया था, तो पहले 9 सालों तक मस्जिद में दफन किया गया और फिर 1641 के आसपास ताजमहल के बगीचे में दफनाया गया होगा। मतलब यह है कि 10 सालों तक शाहजहां मुमताज की हड्डियां अथवा कंकाल को लेकर ही यहां से वहां घूमता रहा होगा। मुमताज की कब्र है कहां, इसको लेकर पुख्ता जानकारी खुद पुरातत्व विभाग के पास है ही नहीं। वो भी कहीं सुनी बातों पर ही यकीन करता है। आगरा का ताजमहल जिस जमीन पर शान से खड़ा है, वो वास्तविकता में जयपुर के राजा मानसिंह की है। इस तथ्य को भारतीय इतिहासकार जादूनाथ सरकार समेत यूरोपियन इतिहासकार जॉन मार्शल और ईवीवी हेवेल भी स्वीकार करते हैं। इस पर इस्लामिक इतिहासकार भी सहमत नजर आते हैं। हां, इसे बनवाने में आए कुल खर्च पर इतिहासकारों में एकमत नहीं है। कुछ स्थानों पर इसका खर्चा 50 लाख तो कहीं 185 लाख रुपए तक बताया गया है। दीवान ए अफरीदी में खर्चा 9 करोड़ 17 लाख का बताया गया है, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स में 1853 में प्रकाशित एक लेख के अनुसार ये 75,50,000 पौंड था। शाहजहां के शासनकाल के दौरान फ्रांसीसी यात्री जीन बापिस्ट भारत दौरे पर आया था। अपनी इस यात्रा पर एक किताब भी उसने लिखी थी, जिसका अनुवाद 1889 में प्रकाशित हुआ था। किताब के मुताबिक वो 1640-41 में पहली बार आगरा आया था। दरअसल उसका भारत आना जाना लगा रहता था। जब पेरिस से चलकर अपनी 5वीं भारत यात्रा पर आया, तो वह 1667 में सूरत में था। यह उसकी आखिरी भारत यात्रा थी। उसने अपने संस्मरण के पृष्ठ 110 पर लिखा है, आई विटनेस द कमेंसमेंट एंड अकम्प्लिशमेंट ऑफ दिस ग्रेट वर्क
ताजमहल। इसी के आधार पर या कहा जाए इसी के अनुसार ताजमहल का निर्माण 1640-41 के दौरान शुरू हुआ होगा, जबकि मुमताज की मौत एक दशक पहले 1630 में हो चुकी थी। 1667 में जब टावर नियर सूरत में था, एक साल पहले 1666 में शाहजहां भी मर चुका था। अपनी मृत्यु से 8 साल पहले तक वह अपने बेटे औरंगजेब की भी कैद में रहा था। ऐसे में 1658 के आसपास से ही परिवार में गद्दी को लेकर आपसी लड़ाई छिड़ चुकी थी। टावर नियर यह भी लिखता है, ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे थे, अब 1641 से 22 साल 1663 में जाकर पूरे होते हैं। इस दौरान शाहजहां तो आगरे के किले में नजरबंद था। ताजमहल का निर्माण कब हुआ इस पर एक और कहानी पढ़ने को मिलती है। एक स्पेनिश धार्मिक यात्री सेबेस्टियन मैनरिक 1641 में आगरा में था। उसे किसी ने बताया कि ताजमहल के मुख्य वास्तुकला को इटली के गेरोनीमो वेरोनियो ने तैयार की है। हालांकि वह कभी वेरोनियो से नहीं मिला था, क्योंकि शाहजहां ने उसे 1640 में एक पुर्तगाली के हाथों ही मरवा दिया था। लाहौर में उसकी कब्र आज भी है। साल 1899 में हेनरी जॉर्ज ने अपनी किताब अ हैंडबुक फॉर विजिटर्स टू आगरा एंड इट्स नेबरहुड के पेज नंबर 23-24 पर लिखा है, ताजमहल के पूरा बनने से पहले ही वेरोनियो मर गया था। इस प्रकार 17 सालों तक चले निर्माण के बाद यह इमारत 1648 में जाकर बनी। कहा जाता है ताजमहल को 20,000 मजदूरों ने मिलकर बनाया था। पहली बार ये तथ्य ब्रिटिश काल में लाहौर से प्रकाशित हुए एक पुस्तक गाइड टू द ताज एट आगरा के पृष्ठ 14 में मिलता है। हेनरी जॉर्ज ने इन मजदूरों की दुर्दशा के बारे में अपनी किताब में लिखा है। किताब के पेज नंबर 27 पर वह लिखते हैं, 20,000 मजदूरों ने काम किया, लेकिन उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे। उन्हें भत्ते के तौर पर मक्के के दाने दिए जाते थे, जिसकी लालची अधिकारियों द्वारा कटौती होती रहती थी। ये मजदूर बुरी तरह से तनाव में थे और इसी कारण इनकी मौत की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई थी। एक कवि ने लिखा है कि इस संकट की घड़ी में भगवान ही हमारा रखवाला है, अच्छा होता कि हम भी मुमताज के साथ मर गए होते। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। देश हित चैनल हॉकफीट को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।